أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

शुरु अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है जो मुसलमान बैठ रहते हैं और कोई उज्र नहीं रखते वो वो और जो अल्लाह की राह में अपने माल और जान से लड़ते हैं वो दोनों बराबर नहीं हो सकते माल और जान से जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर अल्लाह ने दर्जे में फजीलत बख्शी है और नेक वादा सबसे है लेकिन अजर अजीम के लिहाज से अल्लाह ने जहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर कहीं फजीलत बख्शी है अल्लाह की तरफ से दर्जात में और बख्शिश में और राहमत में और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं जब फरिश्ते उनकी जान कब्ज़ करने लगते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे वो कहते हैं कि हम मुल्क में आजिज़ो नातवा थे फरिश्ते कहते हैं क्या अल्लाह का मुल्क फराख नहीं था कि तुम उसमें हिजरत कर जाते ऐसे लोगों का ठिकाना दोजख है और वो बुरी जगह है हां जो मर्द और औरतें और बच्चे बेबस हैं कि ना तो कोई चारा कर सकते हैं और न रास्ता जानते हैं करीब है कि अल्लाह ऐसों को मुआफ कर दे और अल्लाह मुआफ करने वाला बख्शने वाला है व आखिर आलमीन आज हमने पारा नंबर पाँच में शुरसा की आयात मुबारक पचानवे तनावे की तिलावत तर्जमा सुनने की सदत हासिल की तिलावत कलाम हक का शर्फ हासिल कर रहे थे कारी अब्दुलमाजिद नूर दुआ है कि अल्लाह तमें तिलावत कुरान और इसकी तालीमात को समझ कर उन पर अमल करने की तोहफ़ी कदा फरमाए

وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم इरशाद रबुल इजत हुआ और जिन लोगों के चेहरे सफेद होंगे वो अल्लाह की राहमत में होंगे और उसमें हमेशा रहेंगे तेरा जे जो तेरी

कि तुम अपना कर्ज़ा फलां शख्स खुशहाल आदमी से ले लो तो खाम खा कर्ज़दार के सर पर सवार ना रहना चाहिए इसकी ये बात मान लो और जिसका इसने हवाला दिया है उससे जाकर ये ले लेना चाहिए इस हदीस का मतलब ये है कि आदमी के पास कर्ज़ अदा करने के लिए कुछ नहीं है और वो कहता है कि जाओ फलाँ शख्स से ले लो हमारे और उसके दरमियान बातचीत हो चुकी है वो अदा करने पर राजी है तो करस खा को ये नहीं करना चाहिए कि मैं तो तुझी से लूंगा मैं किसी और को क्या जानूं? बल्कि इसके साथ ये करना चाहिए कि नरमी का मामला करे और जिसका वो हवाला दे रहा है उससे जाकर उसको बात कर लेनी चाहिए इस हदीस शरीफ में बड़े अच्छे अंदाज से बाहमी मामला करने के आदाब में से एक अदब की तालीम दी गई है हज़ूर नबी करीम सल्ला वसम ने कर्ज़दार को इसमें हुक्म दिया है और आप कर्ज़दार को ये हुक्म दे रहे हैं कि वो अच्छे अंदाज़ में कर्ज़ की अदायगी करे और कर्ज ख़ा को तलकिन फरमा रहे हैं कि वो अच्छे अंदाज में कर्ज़ का मुतालबा करे नबी अकरम सल वही वसम ने इस हदीस में इस बात की भी वजाहत फरमाई है कि कर्ज ख़ाह जब कर्ज़ का मुतालबा करे या फिर इशारे के नाये या करीना से मालूम हो कि वो कर्ज की अदायगी चाह रहा है तो उस सूरत में इस मालदार शख्स का टाल मटोल करना जो कर्ज की अदायगी की कुदरत रखता हो सरासर इस कर्ज खा के साथ जुल्म है और बिलाउजर इसकी हक की अदायगी में आड़े आना यह साबित होता है ये जुल्म उस वक़्त खत्म हो जाता है जब कर्ज़दार अपने कर्ज़ ख़वा को किसी ऐसे मालदार आदमी की तरफ मुंतकिल कर दे जिससे अपना हक वसूल करना इसके लिए आसान हो इस सूरत में कर्ज ख़्वाह को चाहिए कि वो इस मुंतकली को कबूल कर ले ये इसकी तरफ से हुसन तकाजा है और इसमें कर्ज़ की अदायगी में भी आसानी है और उसके साथ साथ इससे वो जुल्म भी दूर हो रहा है जो टाल टोल करने वाले कर्जदार के ज़िम्मा कर्ज बाकी रहने की वजह से होता है मोहतरम सामीन आप ये देखिए कि हमारी शरीय मुताहरा इतनी बेहतरीन शरीयत है और इतनी आसन शरीयत है कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ पे कुरान करीम में हमें अखलाकियात सिखाई हैं वहीं पे हुजूर नबी करीम सल्ला वसल्लम ने भी जो है उसमें बड़ी अखलाकियात हमें सिखाई हैं वो हमारे दीनी मामला हों दुनियावी मामला हों तजारती मामला हों कुछ भी हों तो ये काम हमेशा से ही हमें ये करना चाहिए आप देखिए कि इस हदीस से यह वाज होता है कि जब तुम में से कोई कर्ज वसूल करने में किसी मालदार के हवाले किया जाए तो उसे कबूल करना चाहिए और इसमें बाज अहले इल्म ये कहते हैं कि जब आदमी को किसी मालदार के हवाले किया जाए और वो हवाला कबूल कर ले तो हवाला करने वाला शख्स बरी हो जाएगा और कर्ज खा के लिए दुरुस्त नहीं है कि फिर हवाला करने वाले की तरफ पलटे बाज़ इल्म कहते हैं कि मोहताल यानी जिस आदमी की तरफ तहवील किया गया है उसके मुफलस हो जाने की वजह से इसके माल के डूब जाने का खतरा हो तो कर्ज खा के लिए जायज होगा कि वो पहले की तरफ लौट जाए इन लोगों ने इस बात पर हज़रतमान वगैरह के कौल से इसलिए नहीं होता इमाम बिन कहते हैं लई सा माल मुसलम तवा कि, तो कि मुसलमान का माल जया नहीं होता उस हवाले से वो फरमाते हैं कि इसका मतलब ये है कि जब कोई करज खसी के हवाले किया गया और इसे मालदार समझ रहा हो लेकिन दर हकीकत वो गरीब हो तो ऐसी मुसलमान का माल जाया नहीं होगा और वो असल कर्जदार से अपना माल तलब कर सकता है शरीयत मुताहरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ पे आसानियाँ पैदा की हैं वहीं पे नबी करीम आलिहि वसल्लम ने भी बेशुमार हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाई हैं और इसमें हर शख्स को उसको अपने किसी दूसरे भाई को एक्सप्लाइट करने उसे नुकसान पहुंचाने के अमल से बचाया गया है और जेर नजर हदीस भी इसी बात की मतकाजी है कि अगर किसी के साथ माली मामला उलझे हुए हैं और उसके पास देने के वसाइल नहीं हैं कोई मसला है तो इसके बावजूद उसको चाहिए कि अगर उसने किसी के हवाले उसको कर दिया है और उसने उसकी जिम्मेदारी ले ली है तो माली मामला के हवाले से उसके लिए आसानी को कबूल करना चाहिए और उसका टाल मटोल इसमें करना जुल्म होगा अल्लाह रबालमीन से तो आ करीम हमारे जिस तरह दीनी हैं, माली और की भी और तलीमल की तोफी फरमाए आखिर नादी दरसे हदीस तकारीर का सिलसिला सामीन अभी हम सुन रहे थे जिसमें आज हमने प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज मास नबी करीम सलम ने इर्शाद फरमाया जो शख्स अल्लाह और कयामत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने हमसाए को तकलीफ न पहुंचाए और अपने मेहमान की इज्जत करे दिल की हसरत तमाम हो जाए दिल की हसरत तमाम हो जाए इजने खैरुल हो जाए इजने खैर जाग जाए मेरा नसीबा भी जाग जाए मेरा नसीब भी उनके दर पर दर पर कयाम हो जाए इसने खैरुल हो जाए जब नजर आए गुम खजरा जब न जरा आसमां हम कलाम हो जाए आसमां हम कलाम हो जाए हम हो पेशे तर की शाम हो जाए दीदई तर की शाम हो जाए दिल की हसरत तमाम हो जाए इसने खैरुल कम हो जाए इजने खैर नाम हो जाए दुल्हा अकीदत व हजूर सरवर कौन सल्लाहु वसलम पेश करने की शादत हासिल कर रहे थे शोएब असीर और सामने ये नातिया कलाम डॉक्टर कार अजीम का था रोशनी आइए जमीन आला अखलाकी कदरों पर मबनी सिलसिला सुनते हैं मुकर हैं। प्रोग्राम का था किताब बेटी। प्रोग्राम में शरीक मेहमान खातून का कहना था कि उन्होंने हर किस्म की किताबें पढ़ी हैं और हजारों की तादाद में पढ़ी हैं और ये सब कुछ वो उस वक्त से पढ़ती हैं जब वो महज चंद साल की थी बल्कि आज भी जब तालीमी एतबार से पी एच डी किए उन्हें कई बरस हो चुके हैं और तदरीस के मैदान से वो अब प्रोफेसर की हैसियत से रिटायर हो चुकी हैं किताब पढ़ना उनका शौक़ ही नहीं जुनून की हैसियत रखता है जाहिर है जहाँ किताब से इतना लगाव हो और मतलब इस कदर कसरत से करने का मौका मिला हो और फिर तदरीस और तहकीक़ के मैदान से वाबस्तगी भी हो वहाँ लिखने लिखाने का शौक हो जाना भी एक फितरी अमल है चुनाचे बहुत सी कुतुब तो अब वो खुद तहरीर कर चुकी हैं बताया कि पढ़ने और लिखने से आगे बढ़कर अब तो कई बरस से एक इशाती इदारा भी चला रही हैं जिसमें उनका हदफ उन नायाब और तारीखी कुतुब की इशाहत है जो अब अमल दस्तियाब नहीं होती उनसे सवाल हुआ कि आखिर बचपन ही से कुतुब बीनी का इस कदर शौक कैसे हो गया सवाल करने वाले ने इस परेशानी का इजहार भी किया कि हम तो कोशिश के बावजूद अपने बच्चों को इस तरफ राखिब कर ही नहीं पाते जवाबन अपनी जाति मिसाल को ही आगे बढ़ाते हुए बोली इसकी वजह मेरी अम्मी है जुमले मोतरजा के तौर पर साथ ही बोली कि मुझे वालदा या वालिद कहने के बजाय अम्मी और अबू कहना ही फितरी लगता है फिर किसी कदर तफसील से बयान किया बोली इस वक्त अपनी उम्र की सातवीं दहाई में दाखिल होने के हूं जाहिर इस अरसे में बेशुमार लोगों से राबता और मुलाकात रही है मैं इस मुशाहिदे की बुनियाद पर दावे से कहती हूं कि मेरी अम्मी बहुत ज्यादा काम करती थी इसका अंदाजा इससे लगाइए कि हम दस बहन भाई थे और हम सबकी तमाम जरूरिया का उन्हें ख्याल रखना होता था आज की तरह गैस के चूल्हे तो थे नहीं कि बटन दबाया और नॉप को घुमाया और खाना बनाने के लिए आग का इंतजाम हो गया लकड़ी के कोयले से अंगीठी जलाई जाती और दिन भर उसे मुख्तलिफ जरूरियात के लिए जलाए रखना पड़ता था घर के और कामों का भी आप इसी तरह अंदाजा कर सकते हैं असल सवाल और उसके जवाब की तरफ आते हुए बोली फिर अम्मी हम सब के तमाम कपड़े खुद सीती थी तरक्कीकत कपड़े ही नहीं हम सब के लिए स्वेटर बुनना भी उनका मामूल था इस कदर कामों के बावजूद किताब से अम्मी का रिश्ता बहुत मजबूत था स्कूल से आकर हमने हमेशा यह देखा दोपहर तक कामों से कुछ वक्फा लेकर वो लेट जाती और किताब उनके हाथ में होती किताब पढ़ते पढ़ते ही उनकी आंख लग जाती और अक्सर ऐसा होता कि हम उनके चेहरे से किताब उठाकर रखते घर में किताबें मौजूद हों और अम्मी का उनके साथ इतना गहरा ताल्लुक तो मुझ पर ही नहीं हम सब बहन भाइयों पर इसका असर हुआ फिर अबू ने हमारे लिए बच्चों के रसायल लगवा दिए थे कई रसायल हमारे घर पर बाकायदगी से आते अबू की अपनी कुतुब का भी बिलखसूस दीनी मौजूद पर काफी जखीरा मौजूद था मैंने वो भी सारा पढ़ डाला था हम ये सब कुछ पढ़ते थे फिर भी हमारी प्यास न बुझती थी मेरी उम्र के लोग जानते हैं कि उस जमाने में शहर के हर महल्ले में आना लाइब्रेरियां होती थी शाम को भाई किसी काम से बाहर जाते तो हम उनसे इसरार करते और वो कोई किताब वहां से किराए पर ले आते और फिर होता यह था कि हम बहनों और भाइयों के दरमियान लड़ाई भी इसी किताब पर होती कौन पहले पढ़ेगा एक दूसरे से यह तकाज़ा होता कि तुम इतनी देर से पढ़ रही हो अब ख़त्म करो और मुझे दो चुनाचे दीनी मौजुआत हों अफसानों के मजमू हों और या जासूसी तारीखी और दीगर मौजुआत पर नावल हों अदबी कुतुब हों या खुवात के डायजेस्ट और बच्चों के रसायल गुछ पढ़ा और इस सबकी बुनियाद अम्मी और अबू का वह शौक और दिलचस्पी थी जिसका उनकी अपनी जिंदगी और मामूलात से इजहार होता था बच्चों को आप तलकीन करने या उन पर खफगी और नाराजगी का इजहार करने की बजाय उनके सामने अच्छी मिसालें पेश कीजिए इसमें कोई शक नहीं कि बच्चे जो कुछ देखते हैं उसको ही अपनाने की कोशिश करते हैं वालदेन और घर के बड़ों से उनका रहा जिंदगी का पहला रहा होता है यही लोग हर वक्त उनकी निगाह में होते हैं बिलाशबा उनकी गुफ्तु और नसीहत की भी अहमियत होती है लेकिन जो कुछ घर के बड़ों के अमल से जाहिर होता हो वही दरअसल बच्चों की शख्सियत का हिस्सा बनता चला जाता है रोशनी आला अखलाकी कदरों पर अपनी सिलसिला सामी अभी हम सुन रहे थे जिसमें आज हमने खालिद रहमान की गुफ्तगु सुनी क्या तेरे शिवा दो जहां में था ही क्या तेरे सिवा क्या मुझे देता खुदा तेरे सिवा दो जहां में था ही क्या तेरे दो जहा था क्या तेरे सिवा मुद्दा कुछ भी नजर आता नहीं मुद्दा कुछ भी नजर आता नहीं मुस्तफा तेरे सिवा मुस्तफा तेरे सिवा क्या मुझे देता खुदा तेरे सिवा दो जहां में था है क्या तेरे दो जहा में था ही क्या तेरे सिवा रहमतुल लाल है किसकी जाहतुल्लमी है किसकी किसी का आसरा तेरे सिवा हर किसी का आसरा तेरे सिवा क्या मुझे देता खुदा तेरे सिवा दो जहां था ही क्या तेरे शिवा दो जहा में था ही क्या तेरे सिवा तू ही, ही मंजिल तू ही जब मकसूद हो तू ही मंजिल तू ही जब मकसूद हो कौन है फिर रहनुमा तेरे सिवा कौन है फिर रहनुमा तेरे सिवा क्या मुझे देता खुदा तेरे सिवा जहा में था ही क्या तेरे सिवा दो जहाँ में था ही क्या तेरे सिवा दो जहां में था ही क्या तेरे गुलदस्ता रहे थे गुलाम बास और हम नवा ये नातिया कलाम हफीजरी का था आपने पूछा है आइए साहब इन सिलसिला सुनते हैं जिसमें आपके दीनी और समाजी मसायल के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब कुरान सन्नत की रोशनी में दे रहे हैं डॉल हसन अल्हमिल्लामी والسلام على सईदिन वाला وعلى साहबी وصحبه अजमायन हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमें पहला खत्मा शुरू हुआ है कोयटा से अहमद शिरानी साहब का वे कहते हैं कि मैं एक इदारे में कंप्यूटर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे तनख्वाह के अलावा इंजीनियरिंग की डिग्री की वजह से कुछ इजाफी मुआवजा भी मिलता है लेकिन कुछ अर्से के बाद मैंने देखा कि मेरी तनख्वाह ज्यादा हो गई है उसकी वजह यह बनी कि शोब maliyat में मेरा दोस्त है उसने मेरे इमे बगैर मेरा जॉब टाइटल इंजीनियर के बजाय टेक्नीशियन कर दिया जिसकी वजह से मेरी तनख्वाह में इजाफा हो गया मैंने उससे पूछा उन्हें बतलाया कि इजाफा आपका हक है बल्कि आप इससे भी ज्यादा हकदार हो क्योंकि आप इंजीनियर और टेक्नीशियन दोनों काम करते हो और सच बात यह है कि उसकी बात दुरुस्त है क्योंकि जब जरूरत हो तो मैं टेक्नीशियन का काम भी करता हूँ जब जरूरत हो तो इंजीनियर का काम भी करता हूँ तो अब ये इजाफा मेरे लिए जायज है या हराम है इसके जवाब में अर्ज यह है की इजाफा वसूल करने में कोई हरज नहीं आपके लिए हलाल है बशरते के ये शराय पाए जाए की आप इस इजाफे के हकदार हों और आप वाकई वो काम करते हो जिसकी वजह से आप इस इजाफे के हकदार हुए है नंबर दो ये है की आप जिस इदारे में काम कर रहे है ये इदारा भी आपको ये इजाफी रकम वसूल करने की इजाजत दे वहाँ भी इस तरह की कोई रुकावट न हो तीसरी बात यह है की आपके दोस्त के पास ये अख्तियार हो की वो आपका जॉब टाइटल तब्दील कर सके इसमें किसी किस्म का झूठ धोखा या फ्रॉड ना हो अगर ये तमाम शरात पाई जाती है तो फिर आपके लिए इजाफी रकम वसूल करना जायज और हलाल है अगर एक शत भी न हो तो आप ये इजाफी रकम वसूल नहीं कर सकते आखिरत में अपने दोस्त को नसीहत करे की अपनी जिम्मेदारी को मुकम्मल अमानत दारी के साथ निभाए और किसी के साथ ज्यादती न हो हर एक को इंसाफ के साथ उसका हक मिलना चाहिए दूसरा खत हमें मिला है मिया वाली से ताजुद्दीन साहब का वो कहते हैं कि हमारे पास मेहमान आते हैं तो उनमें से कुछ मज्ज़ और बा असर शख्सियात भी होती है तो क्या हम इन खसूसी नौीयत के मेहमानों का ख्याल दूसरों से ज्यादा रख सकते हैं कि उन्हें दूसरों से ज्यादा खाना पेश किया जाए या उनके लिए मखस का कोई प्रोटोकॉल दिया जाए तो जवाब याज ये है की मेहमानों में से मालदारों के लिए खास खाने और मखसूस नश्तों पर उन्हें बिठाने का अहतमाम करने से जियाफ़त का असली हदब बिल्कुल फौत हो जाता है यानी इज्जत अफजाई करना और अखलाक ऐसी पेश आना इस तरह की जियाफत से तो दीगर मेहमानों के दिलों में एहसास कमतरी और दुख के तस्रात पैदा हो सकते हैं तो जैसे कहते हैं कि उससे उनके दिल टूट जाएंगे और मेहमानों के दिलों में मेजबान के मुतालिक नफरत और कदूरत पैदा होगी जो पेट भरकर खाना खाने से भी ज़ायल ना हो सकेगी और ऐसा खाना जो सिर्फ साहिब सरवत लोगों के लिए खास हो जिसके लिए बदतरीन खाना है जैसे कि सैद नबी फरमाते हैं कि बदतरीन दावत तमाम ऐसी दावत है कि जिसमे सिर्फ अमीर लोगों को बुलाया जाता है गरीबों को छोड़ दिया जाता है तो ये हदीस भी इसी बात की दरील है इस हदीस की शरा में आमामा नवी रही फरमाते है इस हदीस का मतलब ये है कि इसमें नबी करीम सल सल्लाम के बाद लोगों के तर्ज अमल की निशानदही की गई है कि वो वलीमे वगैरह में अमीरों का ख्याल रखेंगे उन्हीं को दावत देंगे अच्छे अच्छे खाने उन्हीं को पेश करेंगे उनके लिए बैठने की जगह भी दूसर से मुआजस बनाएंगे हर जगह उन्हें पेश पेश रहने का मौका देंगे इस तरह के दीगर मामला अपनाएंगे, जो कि आजकल ऐसे ही हैं, अल्लाह तला राय हक पर चलने की मदद फरमाए इसी तरह इब्ने हुबैरा रहम फरमाते हैं कि हदीस में यह है खाना बतौर खाना नाम और जिन्स में यकसा होता है लेकिन खाना खिलाने वाले के आहदाफ से उसमे तफरीक पैदा हो जाती है चुनाचे अगर कोई शख्स सिर्फ अमीरों को खाना खिलाने के लिए खाना तैयार करे हालांकि उन्हें खाने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी उनके आने पर इसरार और तकल्फ करे उन लोगों को न बुलाये जिन्हें खाने की जरूरत है तो यही दर हकीकत नुकसान है क्यूँकि खाना बुनियादी तौर पर इसलिए बनाया जाता है कि साहिब हैसियत की जानब से भूखे लोगों को खिलाया जाए तो जब यहाँ हदफ ही उलट गया तो खाने का मकसद भी फौत हो गया तो नतीजा ये हुआ कि मेजबान को ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि इस अमल की किसी मसलहत पर नहीं है बल्कि शरान खराबी पर है क्योंकि इससे मेहमानों के दिलों में एहसास कमतरी और कदूरत पैदा होगी इस तरह शैतान बाहमी तालुक को खराब करने और इस्लामी अखुवत में दराड़ डालने में कामयाब हो सकता है चुनाच शरीय हरे ऐसे काम से रोकती है जिसका मजकूा नतीजा बरामद हो सकता है जैसे कि सरगोशी से मतलब ने मना किया जैसे अच्छा 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 ने ने कि तो सैदना है कि दो आपस में सरगोशी न करे कि उससे तीसरे को दुख होगा तो लिहाजा हर वो काम जो मुसलमान के दिल में दुख पैदा करे शरीत उससे मना फरमाती है आज का तीसरा खत्में मिला है सियालकोट से अब्दुल्दिर वो कहते हैं कि इमाम के साथ बामत नमाज के दौरान ऐसी कमीज़ या लिबास पहना जा सकता है जिस पर कुछ लिखा हुआ हो या तस्वीर हो तो आर्ज यह है कि नमाज में तस्वीर तहरीर और मुख्तलि के हामिल लिबास को पहनने के कुछ तफसील है उसमें पहली बात यह है अगर ये तस्वीर खातिन की या सलीब या मुसलमान मुखालिफ ममालिकनोग्राम या जानदार चीज़ों की तस्वीर या शराब और सिगरेट जैसी हराम खाने पीने की चीजों की है तो फिर ऐसे लिबास को सिरे से पहनना ही हराम है और इस लिबास को पहनकर नमाज पढ़ना मजदूर बड़ा गुना है क्यूँकि तस्वीर जती हराम है इसलिए अहिल के सही तरीन मौकफ़ के मुताबिक इन चीज़ों की तस्वीर वाला लिबास पहनना जायज ही नहीं है और दूसरी बात ये है की अगर ये लिबास तस्वीर पर मुश्तमिल न हो लेकिन उस पर कुछ ऐसी किताबत हो जो गुनाह की तरगीब दिलाती है तो उसी तरह की कोई और तहरीर जो जिसम फरोशी की तरगीब के लोग इस्तेमाल करते है या कोई ऐसी इबारत जो अकीदे में खलल का बायस बनती है तो उन्हें नमाज ऐसी हट कर भी पहनना जायज़ नहीं है चुनाच नमाज में लिबास का पहनना बिल औौला हराम होगा उसके हराम होने की वजह भी वाजहे है क्यूँकी उसमें बहुत बुरी बात है और बेहियाई की दावत के साथ कुफर की दावत भी है जबकि अल्लाह तला का ये फरमान है

कि अगर वो दिलकश है नजरों को चुराती है गालिब गुमान यही है कि नमाजियों को नमाज से मशगूल करेगी तो ऐसी सूरत में फिर उसको पहनना जो है वो मकरू है जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा धारीदार चादर में नमाज अदा की उसके नक्शो नगार की तरफ देखा जब फारि हुए तो कहा कि ये मेरी चादर जो है अब जहम को जाकर दे दो और उनकी वो सादा चादर है वो मुझे ला दो इससे ये मालूम यही हुआ कि इस तरह के नक्शो नगार अगर बने हुए हैं तो उसे पहनकर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए दूसरी सूरत यह है कि अगर ये नक्शो नगार गैर बिल्कुल मामूली नौत के हों की नमाजियों की उसपे भी नहीं जाती ये इस नक्शो नगार वगैरह आमतौर पर पाए जाते हैं तो देखने वाले की तवज्जो उस जानब जाती ही नहीं तो उसमें कोई कराहत नहीं उसमें नमाज पढ़ी जा सकती है इसलिए कि उसमें ममानत की कोई इलत नहीं पाई जाती तो लिहाजा उसमें पढ़ी जा सकती है तो लिहाजा यही हम कहेंगे कि ऐसी सूरत जिसके जरिए से इंसान की नजरें उसकी तरफ मतवज होती हों लोगों की नमाज खराब होती हो तो उसमें ऐसी चीजें नहीं पहननी चाहिए एक तो हराम की सूरत है दूसरी की सूरत है इसके अलावा है तो वो चीज़ जायज है अल्लाह ताला हमें सही तौर पे अमल करने की तोफी अता फरमाए आपने पूछा है सिलसिला सामी हम सुन रहे थे जिसमें आपके दीनी और समाजी मसायल के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब कुरान सन्नत की रोशनी में दे रही थी डॉक्टर सुहेल हसन सामीन आप अपने दीनी और समाजी मसायल का हल जान सकते हैं इसके लिए आप अपने सवाल का जरिया ख़त हम तक भेजिए और ख़त लिखने के लिए हमारा पता है इंचार्ज प्रोग्राम हैया अल फल मारिफत स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद हलके मे रसूरं के वो माहे मदनी है क्या चांद की वीर सितारों में छनी है क्या चांद की वीर सितारों में छनी है घर से कहीं अच्छा है मदीने का मुसाफिर घर से कहीं अच्छा है मदीने का मुसाफिर या सुब है वतन शाम गरी वतनी है या सुब है वतन शाम गरी बुल वतनी है कहता है मुसा फिर से ये हर नखल मदीना कहता है मुसाफिर से ये हर नखल मदीना आराम जरा ले लो छा याद है मद मुख्तार की है कब दिल में याद मद मुख्तार की है कब दिल में म के मैं आया जलवाय मके मे आया जलवाहे मदनी है कुछ मद्हा पढु नूर पे चलके कुछ मद्हा रोजाए पुर नूर पे चलके ये बात अमीर अब तो मेरे दिल में ठनी है ये बात रब तो मेरे दिल में ठनी है हल्के पे मे रसूलों के वो माहे मदनी क्या चादकी की वीर सितारो में छनी है हल्पे मे के वो माहे मदनी कुल्हा अकीदत पर हजूर सरवर कौन सल्हसम पेश करने की शादत हासिल कर रहे थे बशीर अहमद और हमनवा ये नातिया कलाम अमीर मीनाई का था कुरान हकीम और हमारी जिंदगी आइए साम इन सिलसिला सुनते हैं जिसमें आज हम गुजशत हफ्ते बयान किए गए मजामीन का खुलासा सुनेंगे मुकर हैं कारी अरशद यामीन नहमदू अनुसली अला रसूल करीम अम्माबाद फौजान रहीम आज का दरसे कुरान मजीद सूरतराफ की आयत नंबर एक सौ पचहत्तर तथा एक सौ बयानवे तक अट्ठारह आयतों पर मुश्तमिल है इब्तदाई आयात के अंदर खालिक कैरसम ने एक शख्स का जिक्र किया है जिसका नाम बलम बिन बाऊर था वो अपने जमाने में नेक और इबादत गुजार साहिब करामत बुजुर्ग था उसकी ये करामत बहुत मशहूर थी कि उसकी दुआएं कबूल होती थी लोग अपने अपनी अपनी ज़रूरतों में उसके पास जाया करते और उससे दुआएं कराया करते वो कैनान का रहने वाला था और बनी इसराइलीओं में से था जब हजरत मूसा अस्लात बनी इसराइलीओं को लेकर उसके इलाके में पहुंचे वहाँ का बादशाह खौफजदा हुआ कि कहीं बनी इसराइल उन पर हमला अवर होकर उन पर परिब ना आ जाए बादशाह ने बलम बाऊर को कहा कि वो हज़रत मूसा असलात के खिलाफ दुआ करे ताकि वो कामयाब ना हो सके बलम बिन बाूर जानता था कि पैगम्बर वक्त के खिलाफ दुआ कैसे करेगा चुनाचे बादशाह वक्त ने उसे दौलत और ख्वाहिश लफसानी की तकमील का लालच दिया खालिक खारिक ने बलम बिन बाऊर से तमाम करामतें छीन लीं और उसके मुंह से उल्टे अल्फाज निकलने लगे उसकी जुबान कुत्ते की तरह लटक गई और उसने अपनी कौम से कहा कि मेरी तो दुनिया व आखरत तबाह हो गई अब दुआ तो मेरी कबूल होती नहीं लेकिन तुम्हें मैं एक चाल बताता हूँ कि तुम अपनी हसीन लड़कियों को बनी इसराइली के लश्कर में भेज दो और उन्हें ताकीद कर दो कि बनी इसराइल के नौजवान हरामकारी में मबतला हो जाएंगे जिस कौम में हरामकारी रिवाज पा जाए उन लोगों में अजाब ज़रूर नाजिल होता है और वो कौम फ़ता नहीं पा सकती बलम बिन बाऊर की ये शैतानी चाल कारगर साबित हुई और कहते हैं कि बनी इसराइल में ताउन फैला और एक दिन में तकरीबन सत्तर हज़ार अफराद हलाक हो गए बनी इसराइल में से जिन जोड़ों ने यह बुराई की थी उन्हें कत्ल करके लटका दिया गया और तोबा के बाद ताउन दूर हुआ अगली आयत में खालिक ख़ालसभा ने जो इर्शात फरमाया है वो ये कि बहुत से लोगों को अल्लाह ने दो जखी के लिए पैदा किया है उन्हें आँखें दी गईं उन्हें ज़ुबान दी गई उन्हें कान दिए गए लेकिन वो लोग चौपाओं की तरह हैं और ये लोग बेराह हैं और जो गाफ़िल हैं और ये इन इनसे इन्होंने कोई काम नहीं लिया बल्कि इन्होंने इसको छोड़कर अपनी अक्ल से काम लिया है और ये लोग जो हैं जहन्नम में जाएंगे और उसके बाद ये फरमाया कि हम इस किसी शख्स को आहिस्ता आहिस्ता बदतजीज़ लिए चलते हैं हम उसको मोहलत देते हैं कि जो लोग हमारी आयतों को छुटलाते हैं उनको हम फ़ौर सज़ा नहीं देते बल्कि उनके साथ इसजराज करते हैं और उसके बाद उनको खुशहाली देते हैं उनको फ़ौर सज़ा नहीं मिलती बल्कि उनको गफलत में बढ़ते रहने दिया जाता है ताकि उनका जुर्म साबित हो जाए और जब जुर्म साबित हो जाए तो फिर उसके बाद उनको सज़ा दी जाए दुनिया की दौलत और कुत इसमें इजाफ़ा होता रहता है और कहने लगते हैं कि अल्लाह पैगम्बर और किताब और क़्यामत ये सब एक फ्रेब बना रखा है देखो अपनी कमाल होशियारी और कमाल अकलमंदी से कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं अल्लाह तौल ऐसे लोगों को ढील देते हैं और ढील देने के बाद अल्लाह ताला ये अरसात फरमाते हैं कि देखो हमने उनको नसीहत की कि जिस दरवाज़े से कुशादगी दी गए हैं जब उनको वो मिली थी वो इतरा गए लेकिन उनको दफसन पकड़ लिया फिर वो बिल्कुल हैरत नदा रह गए इसमें एक कानून है जो जिसको हम तकवीनी कानून कहते हैं जिसके माना ये हैं कि इंसान अपने कुफ्र बदवानियों में तरक्की करता चला जाता है अल्लाह ताला उसको ढील देते रहते हैं ये ढील उनके लिए मज़ीद सरकशी का बाइस बनती है कभी दुनिया में भी गिरफ्त हो जाती है और असल गिरफ्त तो उनकी आखिरत में होगी इस्लाम के इन दावेदारों में जो मासी में गर्क हैं उनके साथ इसज होता है अल्लाह ताली की ढील से धोखा ना खाएँ बल्कि ये समझ लें कि उमली रह न कैदी मतीन अल्लाह ताला उनको मोलत देता है और उनकी तदबीर बड़ी मजबूत तदबीर होती है खाल खैलसम उनको मोद देता है और वो उससे फ़ायदा नहीं उठाते और जब पकड़ आती है तो फिर साहिब तदबीर उनसे ज़्यादा बेहतर तदबीर किसकी हो सकती है वो पकड़ता है और उससे ज़्यादा कौन उनको छुड़ा सकता है इसके बाद खाल खैलसम ने यह इशात फ़रमाया कि ए पैगम्बर सल्ला वसम आपको जुनून नहीं है और आपको एक ही फ़िक्र है कि आप किस तरह से लोगों की आखत को बेहतर बना दें और आखिरत को बेहतर बनाने के लिए आप कोशिशों में मसरूफ़ रहते हैं अब ये बताइए कि कौन शख्स है कि जो आखरत की फ़िक्र करता हो जो माँ बाप भी दुनिया में दुनिया की, की फ़िक्र करते हैं माँ बाप भी दुनिया में आख़रत की फ़िक्र नहीं करते अब आख़रत में उन्हें सिर्फ अपनी फ़िक्र होती है और यह हक़ जो है वो दीवाना नहीं होता उसे अपनी उम्मत की फ़िक्र होती है वो बड़ी मेहनत और नरमी के साथ अपनी उम्मत की फ़िक्र करता है उसकी सिर्फ एक ही कोशिश होती है कि वो आख़रत में आने वाले अजाब से अपनी उम्मत को कैसे बचा ले पैगम्बर बशीर भी है और नज़ीर भी है वो अजाब से डराता है और उसके बाद इशाद फरमाया कि अवलम यनजुरूफ़ी मलकूत वालर्ध ममा खलकल्लुमिन शय और क्या उन्होंने ग़ौर नहीं किया आसमान और ज़मीन में और नीच दूसरी चीज़ों में जो अल्लाह ताला ने पैदा किए अगर ज़मीन के बारे में ग़ौर करते और अल्लाह की बादशाहत के मज़ाहरे देखते और दूसरी मसनूआत और मखलूक में तवक्ल करते तो समझ लेते कि चीज़ों का खालि ममालिक वही वाहद उला शरीक है जो मुदब्बर भी है और हकीम भी है मुमकिन है ये मौत के बारे में सोचते और मौत के हालात के लिए सोचते तो तोहिद पर ईमान ले आते और फ़िक्र आखत करते इसके बाद शादा बाल ताल फभ आई हदीस एम बाई उमून फिर अल्लाह तथा कौन सी बात पर ईमान लाएँगे उनको कुरान मजीद साफ साफ बातें बतला रहा है हकबात का ऐलान करता है उसकी दावत में कोई शेब पोशीदा नहीं है उसकी फसात व बलागत मुसलमा है और उसके बावजूद लोग नहीं मानते इसके बाद की आयत में खालसमान ने यह रिशात फरमाया है कि देखो क़्यामत कब आएगी क़्यामत का इल्म सवाए अल्लाह के और किसी को नहीं है हज़ूर अक्रम अलैहि वसल्लम जब तोहीद के साथ क्यामत के बारे में बताया करते तो वो शकीन क्यामत के बारे में तरह तरह की बातें किया करते कि कभी उसका वक्त पूछते कभी बास बादल मौत का तस्करा करते इनका सवाल का पूछना क़्यामत के बारे में जानना नहीं था बल्कि अक्सर वकूँ क़्यामत के बारे में होता था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते कि इन नमा इन दा रबी आप कह दीजिए इसका इल्म तो सिर्फ मेरे रब के पास है एक मरतबा हजरत जबी अमीन इंसानी सूरत में आपके पास आए उन्होंने कुछ सवाल किए उन सवालत में एक सवाल ये भी था कि क़्यामत कब वाक़ होगी आपने इसका जवाब अरसाद फरमाया मलमसूल अदहाब आलमिन साइल जिसने सवाल किया है वो इससे ज़्यादा जानने वाला नहीं जिसने सवाल किया है उसके बारे में तुम और मैं बराबर हैं और तुम नहीं जानते और न मुझे उसका इलम दिया गया है इसका इलम तो उसी वाहदाउला शरीक के पास है कि अचानक क़्यामत आ जाएगी जिसकी तफसील हदीस में वारिद हुई है और दो शख्सों में अपने दरमियान में कपड़ा खोल कर रखा होगा अभी खरीद व फ़रोख्त ना कर पाएंगे और कपड़ा लपेटने भी ना पाएंगे कि क्यामत वाकई हो जाएगी कोई शख्स अपनी ऊँटनी का दूध धोकर चलेगा और वह उसे पीने भी ना पाएगा कि क़्यामत वाकई हो जाएगी कोई शख्स हौज़ लीप रहा होगा और उस हौज़ में अपने जानवरों को पानी भी ना पिलाएगा कि क़्यामत आ जाएगी इस तरह किसी शख्स ने अपने मुँह की तरफ लुकमा उठाकर रखा होगा उसे खाने भी ना पाएगा कि किमत आ जाएगी इसके बाद इर्शात फरमाया गया और मैं गैब की बातें नहीं जानता और न मैं कोई मुनाफा हासिल कर सकता हूँ और मुझे मुझ पर मजरत ही वाकई होती है मैं तो महज अजाब से डरने वाला और उसका शर्य सवाब बतला कर बशारत देने वाला हूँ उसी की मशीत और उसी की कदा और कदर के मुताबिक मुझे नफ़ा ज़रा पहुँचता है और नुक़सान के बारे में आपको इख्तियार नहीं तदाबीर और इसबाब के अख्तियार करने से और अज़ा जवारी को हरकत देने से जो नफ़ा हासिल होता है बादल मरतबा कोई नुकसान भी पहुँच जाता है तो ये सब अल्लाह की के ताबे है मेरा काम तो सिर्फ ये है कि मैं नज़ीर और बशीर हूँ मैं तुम्हें सिर्फ़ बताना चाहता हूँ कि देखो अल्लाह का अजाब किस तरह आएगा और किस तरह तुम उससे बचोगे इसके बाद खार्सम ने यह रिशात फरमाया है कि देखो हमने आदम अलसाम तो को पैदा किया और उनकी इस दौजा मुतरमा को भी पैदा किया और फिर हमने उससे नस्ल चलाई और नस्ल जो चलाई तो मियाँ बीवी जो हैं वो जबत जब करते हैं तो उसके बाद उन्हें औलाद दे दी जाती है और औलाद के लिए वो दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें आप सही वालिब औलाद अदा फ़रमाएँ अगर हमें आपने फ़र्जंद अदा फ़रमाया तो हम आपका शुक्र अदा करेंगे जब वह वाहदाउला शरीक करम फरमाता है तुम्हारी शाख आर्जू पर उम्मीद का फूल खिलता है तो तुम्हारी उदास गोद एक ख़ूबसूरत बच्चे से आबाद हो जाती है फिर तुम उस अता करने वाले को भूल जाते हो कि ये फला सितारे की तासीर है या हमें फला ने फला बुत ने बख्शा है ये कितनी आसान फरामोशी है और किस कदर नाशनासी है कि अता करने वाले को छोड़कर किसी और का शुक्र बजा लाया जाए और उस वाहदाउला शरीक को भूल जाया जाए फिर मैं अभी उसका नाम अब्ज़ा वगैरह रख लेते हैं और, और शिर के मुरतकब हो जाते हैं सोचते नहीं कि हमको अदम से वजूद और नस से हत्ती जिसने अता की है वो ज़र्र ज़र का ख़ाल मालिक है उसके अलावा कोई पैदा नहीं कर सकता वो हर बेजान और जानदार शे का खालक है और मालिक है आइए हम मिलकर दुआ करें कि अल्लाह ताली हमें अपनी तोहिद पर कायम दायम रखे और अल्लाह ताली हमें ईमान नसीब फ़रमाए वाखिर दावाना रबी कुरानी हकीम और हमारी जिंदगी सिलसिला सामिंग अभी हम सुन रहे थे जिसमें आज हमने गुजशता हफ्ते बयान किए गए मजामी का खुलासा कारी जामीन की आवाज में सुना आप सबसे हैं मावरा सारे शमसो कमर आप पर हैं फिदा आप खैरुल बशर आप खैरुल बरा खातम उल्लंबिया सब हैं मावरा सारे सो कमर आप पर हैं फीदा आप खैरुल बशर आप बरा को che शे बरी तक ये मेरी सदा सारे शमसो कमर आप पर फिदा आप खैरुल बशर आप खैरुल बरा जिंदगी को oh सारे शम्सों कमर आप पर है फीदा आप हैं। गुलाही अकीदत पर हुजूर सर्वर कौन अंसल अल्लाहु अलेहि वालेहि पेश करने की साधता हासिल कर रही थी हिना नस्रुल्ला। आइए सामने इंद्रगढ़ बुलेजत में दुआ के लिए हाथ फैलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बल-आलमीन

हमारे अजीज बच्चों को सेहत और सलामती के साथ दराजी उम्र की दौलत से सरफराज फरमा दे या हमारे वतन प्यारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमा फरमात इस्लामिया को इतफाकती की नमत उजमा अता फरमा दे नील के साहिल से लेकर ताबा के काश गर उम्मत मुसलिमा को एक और नेक बना दे ए मौलाए पाक हमें हकी मानों में प्यारे आका सलाम के नक्श कदम पर गामजन फरमा दे या रब्बल आलमीन उम्मत मुस्लिमा के बीमार और मरीजों को सेहत कामला आजला दायमा मुस्तमिर नसीब फरमा दे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्ली अला अल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन अल अहया मिनहुम वल अमवात برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله, واله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين